बच्चों, आज मैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके उत्तर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न, रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के दो कारण लिखें। आंसर है, रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के निम्नलिखित कारण है। पहला है समय की बचत, नंबर टू है नवीनतम फैशन और सुंदर डिजाइन वाले परिधान मिल जाते हैं। प्रश्न है, शिशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? उत्तर है, माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। इसके साथ ही यह शिशु के रोग निरोधक क्षमता और संतुष्टि भी प्रदान करता है। क्वेश्चन है, संदूषित पानी से फैलने वाले किन्हीं दो रोगों के नाम बताइए। आंसर है, नंबर वन है अतिसार तथा हैजा। प्रश्न है, संक्रामक रोग क्या होते हैं? आंसर है, ऐसे रोग जो एक रोगी से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। प्रश्न है, रोग निरोधक क्षमता किसे कहते हैं? उत्तर है, प्रकृति की ओर से मनुष्य को रोगों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता प्राप्त है। इस क्षमता को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यह क्षमता हमें रोगों के जीवाणु के प्रभाव से बचाती है। प्रश्न है, असमर्थ बालक किसे कहते हैं? उत्तर है, असमर्थ बालक वे हैं जिनकी शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक क्षमताएं सामान्य या औसत से हटकर है तथा इन्हें अपनी पूर्ण क्षमताएं विकसित करने के लिए खास शिक्षा व प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न है, तौलिए धोने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? उत्तर है तौलिया धोने के लिए अपमार्जक विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह गंदगी और चिकनाई को शीघ्र हटा देते हैं। प्रश्न है, कठोर साबुन किसे कहते हैं? उत्तर है, यह कठोर साबुन पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं और यही कारण है कि झाग बनाने में और कपड़ा साफ करने में अधिक श्रम लगता है, क्योंकि कठोर साबुन वसा और क्षार से बना होता है। प्रश्न है, क्रेच क्या है? उत्तर है, यह एक ऐसी संस्था है जहां कुछ शुल्क लेकर सुबह से शाम तक बालक की देखभाल की जाती है। इस अवस्था में यह 4 साल तक के छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चे को ही लिए जाते हैं। अच्छे क्रेच में प्रशिक्षित कर्मी रखे जाते हैं।
प्रश्न है, प्रभाव के आधार पर रंगों की वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे? आंसर है, उत्तर है इसका, प्रभाव के आधार पर रंग दो प्रकार के भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है गर्म रंग, दूसरा है ठंडा रंग। गर्म रंग रंग चक्र के बाईं ओर रंग गर्म रंग है। ये सभी रंग जिनमें लाल, पीले या संतरे रंग की प्रधानता को गर्म रंग कहलाते हैं। ये रंग देखने में तीव्र होता है तथा इनसे गर्मी का एहसास होता है। ये रंग प्रेरणा एवं प्रशंसा प्रदान करने वाले तथा मनुष्य को उत्तेजित करने वाले होते हैं। किसी वस्तु में गर्म रंगों के प्रयोग से वस्तु बड़ी व निकट दिखाई देती है। ठंडे रंग रंग चक्र के दाहिनी ओर के रंग नीला, हरा और बैंगनी ठंडे रंग होते हैं। ये रंग ठंड के एहसास दिलाते हैं तथा मनुष्य को शांति प्रदान करते हैं। ठंडे रंग वाली वस्तुएं आकार में छोटी तथा दूर दिखाई देती है। किसी भी कलाकृति में जब विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है तब उसे रंग योजना कहलाते हैं। उचित रंग योजना के प्रयोग से कोई भी वस्तु सुंदर दिखती है। अतः किसी भी व्यक्ति को रंगों के उचित संयोग के लिए विभिन्न रंगों योजना की जानकारी आवश्यक है। आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में बताऊंगी।